लगाते थे आप कम कम बहुत कम लगा था अच्छा। आ, लेकिन उसमें मेरा, उसमें मेरा भी इंटरेस्ट हाँ। हाँ। जो, जो जो मुसलमानों ने स्वयं की हुई थी अपनी किताबों में वो पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते थे तो उनका कहना है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है अगर वो हिफाजत करता है तो ट्रांसलेशन में क्यों नहीं कर सकता <laughs> इतना। अभी आपने बताया कि आप जब फिजिक्स पढ़ाते हैं फिर आपने उसको करेक्ट किया कि पढ़ाता था सो डू यू मिस टीचिंग स्टूडेंट्स हाँ आई मिस क्योंकि जब पढ़ाता हूँ तो वो तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट फर्स लव है वो पैशन है पैशन है वो तो हाँ प्राइस यू आर पेइंग हाँ कैन वी सी काइंड ऑफ थिंग मुझसे ऐसे बहुत सारे मुसलमानों ने संपर्क किया और इनफैक्ट तो कुछ ने तो एग्जैक्टली exactly यही टर्म लिख के मुझे कॉन्टेक्ट किया कि मैं वो सेंसिबल और सेंसिटिव मुसलमान हूँ जिसकी आप बात करते हैं अच्छा उन्होंने इस्लाम छोड़ा एक्स मुस्लिम्स ना तालिबान होता आज के डेट में ना अलकायदा होता ये सब इनडायरेक्टली गांधी की उपज है मेरा ऐसा मान और कभी इसका ऑडिट किया जाएगा तो गांधी सबसे बड़ा कल्पनेट निकलेगा इस्लाम को फैलाने में संसार भर में पाएगा वो जब ऑडिट किया जाएगा हाँ। जैसे सर आपको धमकियाँ भी आती होंगी मुझे भी आती इंटरनेशनल आपका वेलकम है और आज के जो हमारे गेस्ट है खास प्रो एक होता है खास प्रो मैक्स हम सब के परिचित अत्री सर इंट्रोडक्शन अगर देना हो तो आप फिजिक्स टीचर एक एजुकेटर दुनिया में कहते हैं सच बोलना चाहिए बट कम लोग मिलते हैं जो सच बोलते हैं तो एक ऐसे सच बोलने वाले जिनका मैं दिल से बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं और नीरज सर हाईली सेंसर्ड टॉपिक्स पे हाईली बोलते हैं आप सबने इनकी वीडियोस देखी होंगी तो ये मेरे हाथ में एक किताब है ब्रेनवास्ड रिपब्लिक पिछले आठ सालों में अगर मैं कहूं कि सबसे बेस्टेस्ट किताबों में कुछ बताओ तो उसमें आवरण के साथ ये किताब ब्रेनवास्ट रिपब्लिक है और हिंदू कैफे की शुरुआत में भी आवरण और इस किताब का सबसे बड़ा रोल था आज सर से बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में सर वेलकम कैसा लगा आपको आगे सब ठीक बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और बहुत अच्छा काम करते हैं उसके लिए साधुवाद बहुत दिनों से था आपसे मन की बात की जाए तो आज आपसे हुआ हमने डाला कि सवाल बहुत सारे लोगों के मन में थे आपसे पूछने के लिए वो भी पूछेंगे आप सर थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले तो कि आपका क्या मतलब कैसे रहा पढ़ाई लिखाई अ, मेरा जन्म हुआ था चंडीगढ़ में ठीक है और जो इनिशियल स्कूल डेज़ हैं कॉलेज डेज़ हैं वो वहीं रहे फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तो उसके बाद चंडीगढ़ से शिफ्ट कर रहे थे तो बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि जन्म और पालन पोषण चंडीगढ़ का है हाँ हाँ। और बस यहीं वहाँ से स्टार्ट हुआ था और पढ़ाई में आपने क्या किया एम फिजिक्स एम फिजिक्स तो आप टीचर थे या अभी भी हैं फिजिक्स के आ, नहीं फिजिक्स का टीचर मैं पहले था अब तो मैं धीरे धीरे फिजिक्स मुझे लगता है कि भूलता जा रहा हूँ अच्छा ठीक <laughs> आप आकाश में पढ़ाते थे मेरे ख्याल से शायद कभी नहीं आकाश में नहीं पढ़ाया विद्या मंदिर में था विद्या अलग अलग आई आई टी की तैयारी करने वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते थे तो अब आप टीचर ए सच ऑफिशियली मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं फिजिक्स तो ये जो अभी आपने बुक लिखी और जो अभी आप वीडियो से हम सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या उसका भी एक रीजन है ये टीचर थे और अभी नहीं है होने में हाँ ऐसा होता तो है कि कुछ विषय ऐसे हमारे देश में जिन पे जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं तो वैसी आती हैं तो मुझे लगा कि अगर एक दिशा में जाना है तो मेरा क्योंकि जो मेंटल स्पेस है वो बड़ा लीनियर सा चलता है तो मैं एक समय पे ज़्यादा काम नहीं कर सकता बुंदी थोड़ी कम है तो इसलिए फिर मुझे लगा कि एक ही दिशा में डेडिकेट हो जाए तो उस पर काम किया जा सकता तो इसलिए आपने सिंगल मोटो अब यही में भी जी जी ठीक आपने जो सर ये किताब लिखी ब्रेनवास्ड रिपब्लिक ये लिखने का आइडिया आपको कैसे मतलब लिखने का इनिशियली तो कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं जैसे जब बचपन में पढ़ते थे तो मेरे साथ एक ट्रेजडी हुई कि स्कूल चेंज किया मैंने सातवीं क्लास में तो उससे पहले मैं जिस स्कूल में था सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में था सातवीं में घर के पास एक स्कूल था वहाँ एडमिशन लिया तो वहाँ बाकी सब तो ठीक था लेकिन जो सोशल स्टडी थी वो हिंदी में थी तो जब पहले दिन वो क्लास में गया मैं तो वहाँ पर वो भवंडर आ रहा है तो भूमध्य रेखा ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी तो लगा यार कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तो नहीं। नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि सोशल स्टडीज में मैं पिछड़ गया और हिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी अच्छा हाँ तो अगर आप मेरी दसवीं की मार्कशीट आज भी देखेंगे तो सोशल स्टडीज में सबसे कम मार्क्स मेरे इसी थे फिर साइंस में चले गए फिजिक्स में चले गए तो जब आप फिजिक्स में जाते हैं ना तो उसमें एक थोड़ा सा अहंकार आने लग जाता है कि ये बड़ा कठिन विषय है और आप इस पर कर रहे हैं और फिर साइंस है तो एक एरोगेंस आ जाती है तो फिर मुझे लगा कि ये स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो जो हिस्ट्री वाला पीरियड था वो सबसे बेकार पीरियड होता था टाइम वेस्ट किया जाता है और हमारे देश में ये सबसे वाहियात सब्जेक्ट है इसको कभी पढ़ाना ही नहीं चाहिए तो ये मेरी मानसिक स्थिति थी फिर अब बच्चों से इंटरेक्ट करते थे और बच्चे क्योंकि ब्रिलियंट बच्चे आते थे मेरे पास तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी शुरू की और स्पेशली जिसे अगर ट्रिगर पॉइंट बोले तो एक लड़का था बड़ा इंटेलिजेंट उसका रंग थोड़ा सांवला था अब अपने देश में सांवले रंग को एक हेय दृष्टि से देखा जाता है कि और वो बच्चा भी इंफीरियोरिटी फील करना शुरू कर देता है वो ये नहीं देखता कि हमारे जो सबसे दो सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं राम और कृष्ण दोनों को सांवला बल्कि काला कहा जाता है लेकिन वो आप ये कह लें कि दिमागी गुलामी है क्या है जिसका भी रंग थोड़ा सांवला होता है उसमें एक इंफेरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है तो ये बच्चा यही बात कर रहा था कहता सर पता नहीं क्या बात है कि है तो हम आर्यों की संतान पर मैं काला कैसे हूँ ये बच्चे ने बच्चे ने बोला मुझे तो मैंने उसे क्वेश्चन बिल्कुल एक नेचुरल रिएक्शन था कि ये तुझे कैसे लगा कि तू तो आर्यों की संतान है और आर्य गोरे होते थे तो सर बस उसने सोचना शुरू किया फिर कुछ सेकंड बाद बोला कहता था ये नहीं मुझे पता पर ये मुझे पता कि ये सच है अच्छा हाँ तो अब टीचर होने के नाते मुझे जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये है कि जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जिस पर आपको विश्वास तो दृढ़ता से है लेकिन आपके पास उसका कोई तथ्यात्मक आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते तो किसी ने प्लांट किया होता है आपके दिमाग में और जनरली वो टेक्स्ट बुक्स में से आता है तो उस दिन जब मैं नीचे उतरा तो सामने ही बुक शॉप थी तो वहाँ से मैंने एन की हिस्ट्री की किताबें ख़रीदी और घर ले आया तो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरा फिर उसमें मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसमें मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी परिकल्पना से कतई मैच नहीं करती अब मुझे था कि अब मैं क्योंकि फिज़िक्स वाला हिस्ट्री तो मुझे आती नहीं और जब एनसीईआरटी लिखते हैं तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इतना पुराना है रिसर्च करके उसमें सच लिखा जाता होगा तो मैं वो क्लैरिफिकेशन लेना चाहता था तो मैंने जहां पर भी थोड़ा सा संदेह हुआ उनको मैं मार्क करता गया ठीक है से की से की हुआ किस साल की बात कर रहे हैं हम ये है दो हजार ग्यारह होगा ग्यारह ग्यारह दस ग्यारह तो उन्हें मार्क करके फिर मुझे लगा कि एनसीईआरटी से अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आर टी एप्लीकेशन लगाया जा सकता तो मैंने पहली जो चीज़ मुझे गलत लगी उसकी मैंने एक आर टी एप्लीकेशन लगा दी मुझे था कि एक ही में इतने सारे डालूंगा तो वहाँ पर भी जो बाबू बैठा वो घबरा जाएगा वो दे, दे या ना दे पता नहीं हमें उसका तो मैंने एक ही पॉइंट की इन्फॉर्मेशन डाली तो तब तो मैंने देखा कि वो सौ से ऊपर पॉइंट्स बन गए थे तो मैंने सभी की अलग अलग आर टी एप्लीकेशन बनाई एक के लगभग बन गई थी वो मैंने इनको भेज दी और उसमें मैंने यही मांगा था कि आप जो ये पढ़ा रहे हैं इसका मूल स्रोत क्या है किसने उसका अनुवाद किया और आपकी जो कमेटी बैठी होगी उसमें किसने ये प्रपोज किया होगा कि इसी पोर्शन को डालना है और किसने उसको वेट किया तो ये चार चीजें मैंने मांगी उनसे तो उनके जवाब आने शुरू हुए कि हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज मांगी थी बोले हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो वहां से अब मैं इनिशली तो ओपन माइंडेड था वहां से फिर एक खटका आया कि इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तब मैंने याद करना शुरू किया कि जब वो वाजपेयी जी की सरकार होती थी तब एक बार बहुत हो हल्ला मचा था संस्कृताइजेशन ऑफ एजुकेशन सेफेशन ऑफ एजुकेशन तो मुझे लगा शायद उसमें कुछ तथ्य रहा हो अब उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या होती थी मुझे पॉलिटिक्स से घृणा थी कुछ लेना देना नहीं था मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पेज देखा करता था और जो सेंसेक्स शेयर हाँ, हाँ, हाँ। तो exactly मार्केट कम, कम लेकिन उसमें मेरा, उसमें भी इंटरेस्ट क्या था कि जब सरकार गिरती है ना तो शेयर मार्केट गिरती है उस समय उसमें पैसा लगा लेना चाहिए था उसमें इनफैक्ट जब 2009 में वो बात चल रही थी न्यूक्लियर डील की तो तभी मैं वेट कर रहा था मैं कह रही लेफ्ट वाले सरकार कब गिराएंगे मुझे पैसा लगाना <laughs> तो ये मैं इस तरह का ऐसी अब मुझे लगता है मैं कितनी छोटी सोच थी लेकिन मैं ऐसा था। सरकार नहीं दे रहे हो से पैसा लगाने का तो ये, मैं ऐसा होता था तो अब जब इनसे ये रिप्लाई आया तो मुझे लगा कि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है जो ये छिपा रहे हैं तो अब एक था कि आरटीए की अपील की जाए और दूसरा था कि स्वयं देखा जाए कि सच में ये जो बता रहे हैं गलत है या नहीं है तो तब तो मैंने दो तीन किताबों को या दो तीन रेफरेंसेस को क्रॉस चेक किया तो दिखाई दिया कि वो गलत पढ़ा रहे हैं फिर उसके बाद उसमें मैं घुसता चला गया फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसी में रुचि जगी और सब जैसे कहते हैं ना हर चीज़ भूल के वो सिंगल पॉइंट एजेंडा बन गया कि निकालना है क्योंकि तब एक फीलिंग ये आई कि ये हमारे समाज पर कोई बहुत बड़ा थ्रेट है जिसे आज तक मैंने पहचाना नहीं तो अब मेरे एक मित्र से साथ में उन्होंने कहा कि यार अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो तुम इनके फैक्ट्स कलेक्ट कर ले और हम केस डालेंगे तो मैंने फिर वो रिसर्च करना शुरू कर दिया और सब्जेक्ट मेरा था नहीं इसलिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी फिर हमने केस तैयार किया उसमें शायद जो मुझे प्लस पॉइंट लग रहा था कि मैंने 1400 पेजेस की की तैयार कर दी थी पन्ने जो में थे ये, ये का है। और ये है कि सच में ये है तो, तो डिनाई तो नहीं कर सकता पंजाब तो एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाला तो कोर्ट ने कहा कि आप ये पटीशन एनसीआर को भेजो अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं करते बोल के उन्होंने अपना पल्ला से झाड़ लिया तो इन द मीन टाइम यहां सरकार आ गई 2014 में बीजेपी की तो हमें था कि अब पहले वाले को यह माना जाता है कि वो एंटागोनिस्टिक है कि वो हिंदुओं के एंटी है जो भी हम जनरली कहते हैं अब ये सरकार आ गई तो ये काम करेगी तो एनसीआरटी में हम गए पिटिशन दिया वहां से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया तो वेट करते रहे फिर उनको एक और आरटीए लगानी पड़ी हमें कि भैया जो पिटिशन दी थी उसका क्या हुआ वो बताओ हमें <laughs> हाँ तो तब उन्होंने बताया कि ये किताबें जे एन यू वालों ने लिखी हैं तो हमने आपकी पटिशन जे एन यू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को भेज दी है और वो बताएंगे ये हम आ गए हैं सरकार बन चुकी है सरकार बन, बन, बन चुकी है दो हजार चौदह पंद्रह के आस पास हाँ पंद्रह बिल्कुल ठीक है तो अब वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा टिपिकल वो जो ब्यूरोक्रेटिक होता है कि सब हम कर रहे हैं हो जाएगा जो ठीक होगा वो किया जाएगा तो तब लगा कि इतना बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है क्योंकि आप कल्पना करके देखें कि आप बच्चे को अब हमारे देश में करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं रोज़ आप उनको झूठ पढ़ा रहे हैं और जो डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है इसको बैकअप करने के लिए कितना बड़ा स्कैंडल है बिल्कुल और ये हाईलाइट नहीं हो रहा तो तब हमने सोचा कि इस पर किताब लिखनी चाहिए

तब उन्होंने हमें एक रिप्लाई भेजा लगभग 200 सौ पेजेस का रिप्लाई था वो जिसमें उन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है हमने इसको तथ्यों के आधार पर लिखा है तो तब तक मेरी जो किताब थी लगभग तीन सौ पेजेस की थी तो फिर हमने देखना शुरू किया कि जो अब उन्होंने रिबर्ट करके भी भेजा भी है उसमें और ज़्यादा विसंगतियाँ हैं तो जो किताब के लास्ट वाले 50-60 पेजेस हैं वो उनको रिबर्ट करने के लिए हैं कि वो भी पूरी तरह से झूठ शायद उनको ये समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला इसका या सरकार नहीं करने वाली तो वो भी थोड़े से बोल्ड हो गए थे तो उन्होंने उसको भी ब्रश अंडर न, वो करने का प्रयास किया था मतलब हमने फैक्ट चेक कर लिया है तो खुद ही नवाब है खुद ही इंस्पेक्टर खुद ही मुजरिम सब खुद उसके बाद क्या फिजिक्स टीचर गॉट इन्वॉल्व इन टीचिंग इस्लाम और आई कैन से ऐसा जनरली होता नहीं है और इस टॉपिक पे तो बहुत बड़े बड़े बाहुबली भी नहीं ही बोलते हैं mm. ये फिजिक्स से आरटीआई का तो समझ में आया एन का समझ में आया और ये तो एक डायनामाइट टाइप का टॉपिक ही अपने आप में ये आपको आपने क्यों चुना मतलब ये ज़िए। ज़िए। पहला तो आपको क्या डर नहीं लगता डर लगता है ना डर अगर मैं मुझे मेरा ये मानना है कि कोई अगर कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है क्योंकि डर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है अगर डर नहीं होता तो लोग शेर से भी बिड़ जाते लोग पहाड़ से कूद जाते लोग आग में कूद जाते तो फिर तुम सर्वाइव ही नहीं करते क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है तो जो डर है वो आपको सर्वाइव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो डर तो लगता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन वो डर किस चीज का है वो ज्यादा मैटर करता है जो आपने पूछा कि इस्लाम पे कैसे आ गए तो ये जब मैं रिसर्च कर रहा था अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि कभी भी कहीं पर कोई आपको गलती मिलती है जैसे फिजिक्स में भी हम करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं तो किताब लिख रहे हैं उसमें भी एरर के चांसेस होते हैं लेकिन वाई लार्ज क्या होता है जैसे फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रीडिंग्स लेते हैं तो अगर मैंने बीस बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया है कुछ का एरर आएगा कुछ का नहीं आएगा जो एरर आएगा कुछ का पॉजिटिव साइड में होगा कुछ का नेगेटिव साइड में होगा तो उसमें हमारा जो रूल ऑफ थम है वो होता है कि आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लीजिए तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आप एक जो करेक्ट या मीन वैल्यू है उसके आसपास ही रहते हैं इन बुक्स को जब एनालाइज किया तो इसमें ये दिखाई दे रहा था कि हमारे देश की जितनी ट्रेडिशंस हैं उन सब की निंदा की जा रही है और बड़े स्मार्ट बड़े छिपे ढंग से की जा रही है बड़े सटल वे में की जा रही है और जो हमारे देश से बाहर की विचारधाराएँ हैं स्पेसिफिकली इस्लाम और क्रिस्टैनिटी उनका खूब महिमा मंडन किया जा रहा है तो अब अगर तो ये ठीक है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे पूर्वज घटिया थे हम एक घटिया संस्कृति से आते हैं और इस सच को मानो इसे छोड़ के अगर अच्छे रिलीजन हैं तो उनमें उनको एडॉप्ट करो क्योंकि साइंटिस्ट होने का या साइंटिफिक एप्टीट्यूड होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये कि आपका माइंड ओपन हो झूठ को रिजेक्ट करने की ताकत हो और सच को अपनाने की ताकत हो जो अपने डर की बात की कि ये स, इसको साहस कहते हैं तो तब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और वो पहला स्क्रिप्चर है जो मैंने पढ़ा था अच्छा जी भगवत गीता में कभी कभी पढ़ता था थोड़ी थोड़ी लेकिन वो उस जैसे हमारे वो एक सेक्युलर सिस्टम है ना कि मैं उसको रिलीजियसली मानता था मैं उसको एक मैनेजमेंट की मान के पढ़ता हुँ, था। तो कुरान पहला वो स्क्रिप्चर था जो मैंने सीरियसली पढ़ा जी तो कुरान का आप पढ़ेंगे तो उसका सिर पैर समझ में नहीं आता तो आपको फिर मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है और हदीसें पढ़नी पड़ती हैं वो जब मैंने पढ़ा तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इस तरह कोई आदमी को कि इस तरह के व्यक्ति को कोई अपना आइडियल कैसे मान सकता है इस तरह की किताब को कोई होली बुक कैसे कह सकता है और इस तरह के को कोई रिलीजन ऑफ पीस कैसे कह सकता है तो ये मेरे लिए सारी चीजें बहुत ही शॉकिंग थी ये वो एक पॉइंट था दूसरा जो इतिहास में ये आठ नौ सौ वर्षों में जो इनका आक्रमण हो रहा था उसकी जो जो डिटेल जो व्याख्या मुसलमानों ने स्वयं की हुई थी अपनी किताबों में वो पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते थे मैं अपने आप को बड़ा ही साइंटिफिक बड़ा न्यूट्रल आदमी मानता हूँ बहुत कम इमोशन में जाता हूँ लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद कई बार मैं रात को सोते सोते उठ जाता था और मैं सोचता था कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किस तरह से इन राक्षसों को झेला होगा, और उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय ये हुआ है कि आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरह की स्ट्रगल में से निकल के हम आए हैं अच्छा एक 300 फिल्म आती है बहुत कॉमन मैंने कई बार देखी हो मुझे अच्छी भी लगती है उसमें जो विलन दिखाया जरेक्सेस वो एक जगह पे एक डायलॉग मारता है के वो स्पार्टास को बोलता है कि तुम्हारा नामो निशान भी नहीं होगा तुम्हारी हिस्ट्री में भी किसी को पता नहीं होगा कि तुम थे तो वो सामने जो प्रोटेगन था वो बोलता है कि लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर खड़े थे तो उसे अगर हम अपनी हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली वही किया गया कि हमारे पूर्वज जो इतनी वीरता से लड़े संसार के जो निकृष्टतम राक्षस थे उस समय के उनसे वो लड़े वीरता से लड़े उन्होंने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया लेकिन उनका ये शौर्य उनकी ये वीरता हमारी अगली पीढ़ी को पता ही नहीं है बल्कि उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है पुस्तकों में और वो जो आतताई थे जो राक्षस थे उनका महिमा वंडन किया जाता है और इस इसका प्रतिकार करना आवश्यक है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हम अपने पूर्वजों से बड़ा अन्याय करते हैं तो जब मैंने इससे विचार किया तब मुझे लगा कि जो ऋषियों का ऋण है हमारे सर पे वो चुकाना है इसलिए मैं इस्लाम पे बात करता हूँ क्योंकि ये आज केवल हमारे देश के लिए नहीं पूरे समाज के लिए जो सबसे बड़ा संकट है वो आज इस्लाम नाम की विचारधारा से आता है एक जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सपोज जैसे थोड़ा बहुत आप ही सब लोगों को देख के मैं भी पढ़ता हूँ तो एक उधर से एक फैलेसी या आर्गूमेंट आता है कि भाई आपको तो अरेबिक नहीं आती तो हाउ कैन यू रीड इट ये एक बड़ा अच्छा उनके पास डिफेंस का टूल है अपनी किसी भी सबसे घटिया चीज को भी बचाना है तो इसके पीछे वो छिप जाते हैं अभी जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पढ़ाता था तो जैसे कोपरनिकस के सिद्धांत है वो उसने लैटिन में लिखे उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया फिर मैं जब अपनी ऑडियंस को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने उसको हिंदी में भी पढ़ाया पंजाबी में भी पढ़ाया जहाँ पॉसिबल हुआ थोड़ी सी गुजराती का टच देके भी पढ़ाया तो एक अगर एक प्रिंसिपल है एक नियम है वो चार भाषाओं में से निकल के आता है तो वो चेंज नहीं होता तो क्या ये संसार की अकेली एक किताब है जो भाषा के साथ चेंज हो जाती है पहली चीज़ तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे सैकड़ों हमारे पास लीनेजेस हैं जहाँ पर हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और कभी गलत नहीं होता दूसरा अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो चेंज कैसा हो सकता है चेंज हो सकता है कि उन्होंने उनको जोर से मारा का मारा हो सकता है जोर से मारा का मतलब प्यार किया तो नहीं हो सकता तो अगर लैंग्वेज के चेंज से क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई एक शब्द का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं है लेकिन जो चेंज आएगा वो बड़ा बड़ा मिनिमल सा होगा वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बिल्कुल इन्वर्ट कर देंगे क्या आपने कहीं बोला कि कौशलेश जी ने नीरज जी के साथ डांस किया तो आंसर आ जाए कि कौशलेश जी ने नीरज जी की हत्या की इतना बड़ा चेंज तो नहीं आएगा तो ये दोनों झूठ हैं और ये आपको स्वयं बताते हैं कि एक तरफ उनका क्लेम क्या है कि अल्लाह अब ये ये भी एक पैकेलियर सा गॉड है अल्लाह नाम का कि जो सब कुछ क्रिएट करता है लेकिन उसको अपने नाम के साथ इन्फेचुएशन होती है यानी उसे अगर हम छोड़ दी दें तो उनका कहना है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है तो अगर वो हिफाजत करता है तो ट्रांसलेशन में क्यों नहीं कर सकता इतना अगर इतना ही पावरलेस गॉड है तो फिर आप क्यों चिल्लाते हो दिन में पांच बार के अल्लाह सतरीम है अल्लाह को मानना चाहिए तो ये ये तो अपने आप को बचाने की बड़ी बचकानी सी हरकतें हैं अच्छा ये अल्लाह कुरान की हिफाजत करता है ये कुरान में है हाँ फिर आपने YouTube भी मतलब आप बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बनाते थे पहले काफ़ी टाइम तक अभी आप काफ़ी समय से कंटिन्यू हैं और आपने एक पूरी प्रॉपर सीरीज भी चलाई इसी पे मैं फिर वही पूछूंगा आपसे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं लोगों को कैंसिल किया जा रहा है मारा जा रहा है लोग हाइडिंग में हैं या हमने नूपुर शर्मा का भी केस देखा आपने वीडियो पूरी सीरीज की और इस टॉपिक पे सिस्टमेटिक देखी तो और किसी ने की हो तो मैंने देखी नहीं है अभी आपने बताया कि आप जब फिजिक्स पढ़ाते हैं फिर आपने उसको करेक्ट किया कि पढ़ाता था सो डू यू मिस टीचिंग दो आई मिस क्योंकि जब पढ़ाता हूं तो वो तो मेरा फर्स्ट फर्स फर्स्ट है वो पैशन है, है वो तो हाँ प्लेस करता हूँ सेल्स वेल्स एंड दिस इज द प्राइस यू आर पेइंग हाँ कैन वी से काइंड ऑफ थिंग अब इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि चल रहा है अभी तो काफ़ी पहले से अच्छा हो गया है कि लोग अब इसके बारे में बोल रहे हैं बेधड़क बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि दिस माफिया या जो भी है दिस विल बी डिफीटेड दिस कैन बी डिफीटेड दिस कैन बी डिफीटेड हंड्रेड परसेंट कन्विक्शन है मेरी क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब भी आप कहीं पर किसी युद्ध में होते हैं प्रतिद्वंद्विता में होते हैं आप अपने ओपोनेंट का आकलन करते हैं उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है जिसे हम swot एनालिसिस बोलते हैं वो करते हैं यहाँ पर अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो शुरू में जब मुझे ये काम करना था तो लोग कहते थे यार तू क्या कर रहा है क्यों कर रहा है तो फिर मुझे वो डेविड एंड गोलियत की कहानी वो ध्यान में आई बोलते थे यार इट इज टू बिग टू हिट तो मै, मैं मैं भाई आंसर मेरे मत में वहीं से मारा इट्स टू बिग टू मिस क्या अच्छा। हाँ। कि आप जब इस पे बात करेंगे और कि इतना कमजोर है अंदर अंदर से तो खोखला है ये वो ना एक इंग्लिश में एक फ्रेज होती है जायंट विद फीट ऑफ क्ले तो वो वाला एक दैत्य है जिसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है नहीं। उन्होंने सब झूठ के ऊपर खड़ा किया हुआ है तो मुझे ये तो कन्फर्म है कि गिरेगा अब उसको गिराने में कौन कौन सहयोग करेगा वो एक मैटर ऑफ कंजेक्चर हो सकता है कि कौन कौन करेगा लेकिन जैसा अभी समय आ गया है। अब आप सोशल मीडिया के समय में इंटरनेट के समय में हर किसी के पास प्लेटफॉर्म है बात करने के लिए तो आप उसे दबा नहीं सकते आज से 20 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कहता नहीं कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या मार्क्सिज्म ये ओवर पार कर सकते हैं कर जाएंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनको डिमोलिश करना है तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है वह है सच आपको केवल सच बोलना ऑनेस्टी से उसके लिए थोड़ी सी आपको साहस करने की इनिशियली आवश्यकता पड़ती है सामने जो लोग बैठे हैं वो भी इस चीज को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने कहा ना शुरू में लोग बोलते थे कि तू क्या कर रहा है तो मेरा मानना है कि जो अब दो अलग अलग चीजें इस्लाम और मुसलमान मुसलमान मोनोलिथिक नहीं है उनमें बहुत सारी वैरायटी है क्योंकि ह्यूमंस में सब जगह पे ऐसा होता है अगर बहुत सारे कट्टरपंथी आपको दिखाई देते हैं जो मरने मारने पर तैयार हैं तो वहां पर भी मैं एक टर्म यूज किया करता था सेंसिबल एंड सेंसिटिव वैसे लोग मुसलमान कम्युनिटी में भी है और फॉर्चुनेटली मुझसे ऐसे बहुत सारे मुसलमानों ने संपर्क किया और इनफैक्ट तो कुछ ने तो एग्जैक्टली exactly यही टर्म लिख के मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मैं वो सेंसिबल और सेंसिटिव मुसलमान हूँ जिसकी आप बात करते हैं अच्छा उन्होंने इस्लाम छोड़ा एक्स मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम्स बहुत सारे बने ऐसे जिन्होंने मुझे बताया भी कि आपने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हमें दिए जो हम कभी सोच सोच ही नहीं सकते थे कि इस्लाम के अंदर हो सकते हैं तो अब हमने छोड़ दिया है तो ये उन्होंने मेरे कहने से नहीं छोड़ा उन्होंने उस सच को देखा और उसका आकलन करके छोड़ा है। और यही हमारा सबसे बड़ा टूल है हम हम यूं तो बोलते थे सत्य में विजय लेकिन जब सत्य बोलेंगे नहीं तो जीतेगा कैसे तो बस उतना ही काम करने की आवश्यकता है और इसको जो आपने पूछा कितने ऑप्टिमिस्टिक या पैसेमिस्टिक हैं तो मैं इसमें हंड्रेड परसेंट ऑप्टमिस्टिक हूँ कि इस्लाम समाप्त होगा और मानवता जीतेगी जैसे अभी आपने बोला कि सत्य में वो जैते सत्य बोलेंगे नहीं तो सत्य की विजय होगी कैसे मेरे गुरु कहते हैं कि सत्य की जीत होती नहीं है करनी पड़ती है वो भी कुछ ऐसा ही है तो ये चीज तो हमने बचपन से सुना है झूठ बोलना पाप है नदी किनारे सांप है काली माता आएगी और अब इंटरनेट के एज में अगर कोई कहे कि मुझे नहीं पता इस माफिया गैंग का सच तो मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता अगर आप सो कॉल्ड नेगेटिव के वॉर में हो फिर भी बहुत सारे लोग या मेजोरिटी देखें तो दे डोंट स्पीक तो उसको क्या माना जाए मतलब उनको क्या मतलब जैसे होता है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा बोल के सेटिस्फाई कर लें या अपीज करके हम उनको अपनी तरफ ला सकते हैं क्या ये भी एक रास्ता है क्या उनको अपीज करके लाना अपीज कर मतलब इसको अगर मैं और स्पेसिफिक पूछूं तो इज इट पॉसिबल टू चेंज अ मुस्लिम बाई अपीजिंग हिम चेंज अ मुस्लिम बाय अपीजिंग हिम कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम इंडिविजुअल मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम इस्लामिक विचारधारा की बात कर रहे हैं तो उसमें अपीजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है ना ही वो सफल होती है कभी भी पर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पिछले सौ साल में हमारे देश में तो लाइव देख सकते हैं गांधी से बड़ा इस्लाम का अपीजर कोई नहीं हुआ उसने कितने साल ट्राई किया लगभग चालीस साल ट्राइल से लेकर भी शुरू कर दिया था उसने लेकिन वो सफल नहीं ना हुआ तो अगर गांधी जैसा आदमी सफल नहीं हुआ तो मैं और आप या कोई भी सोचे कि मैं इनको पीस करके सफल हो जाऊंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऑन द अदर हैंड गांधी ने जो सबसे बड़ी डिससर्विस की वो हमें उसका आकलन करना पड़ेगा जिस समय गांधी आया उस समय पे यहाँ आर्य समाज की जो शुद्धि की मूवमेंट थी बहुत अच्छे से चल रही थी अब ऋषि दयानंद सरस्वती ने क्या किया उन्होंने ये सच उजागर किया पहली बार उन्होंने तथ्यों के साथ इसका इस्लाम का ईसाइत का खंडन किया सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश का तेरवा चौदवा सम्लास वो जो एक मोमेंटम बन रहा था अब क्योंकि इस्लाम अपने आप में जो इस्लाम के दुकानदार हैं उन्होंने तो उसका प्रतिकार करना ही था उन्होंने तबलीगी जमात बनाई तरीकिया तरीका मोहम्मद यह कई चीजें उन्होंने बनाई वो अपना काम कर रहे थे लेकिन गांधी ने वो जो मोमेंटम बना हुआ था ना केवल उसको तोड़ा बल्कि उसको रिवर्स किया ईश्वर अल्लाह तेरू नाम जैसी नॉन सेंसिकल बातें करके उसने एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया नहीं तो उसी समय पे ये जो मेरा ऐसा मानना है आप हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि उसी समय पे अगर हमने ठीक से काम करते रहे होते और गांधी ने ये डिसप्शन ना किया होता तो आज ये विकराल रूप हमें देखने को नहीं मिलता विभाजन नहीं हुआ होता और जो खिलाफत के कारण इनको इस्लामिस्टों को एक शॉर्ट इन द आर्म जिसे बोलते हैं वो मिला था वो नहीं मिला होता ना तालिबान होता आज की डेट में ना अलकायदा होता ये सब इनडायरेक्टली गांधी की उपज है पर, मेरा ऐसा मानना और कभी इसका ऑडिट किया जाएगा तो गांधी सबसे बड़ा कल्पनेट निकलेगा इस्लाम को फैलाने में संसार भर में आएगा वो इकत्तीस मार्च जब ऑडिट किया जाएगा सो हाँ जैसा सर ये मतलब जो टॉपिक है इस पे मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप इस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं जैसे जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हम बाहर वालों की तो क्या कहें हमारे नियर डियर इवन रिलेटिव क्या तो पहले हमको मना करते हैं फिर देखते हैं तो इस्लाम बन के ही मानेगा तो लोग थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं इवन सोशल सर्कल्स में भी यू आर परसोन ग्राटा या मिलोगे तो लोग नहीं। ऐसे एक नहीं। पे नहीं नहीं। हम तो कुछ और ही बात कर कुछ भी एक्सरसाइज ऐड करेंगे हम टॉम बट साथ भी ऐसा हुआ ये तो, ये तो होना ही घर से ही शुरू हो जाता तो उसमें मैं ऐसे सोचता हूँ जो ऐसा करते ह्यूमन बींग्स है उनकी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के एक इंस्टिंक्ट है हमने अपने आप को बचाना वो काम करती है तो अपने आप को बचाना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हो सकता है लेकिन अगर हम एक समाज के रूप में देखें या हम जिन्हें अपने आइडियल्स मानते हैं उनके हिसाब से चले तो बड़ी क्षुद्र सोच लगती है बड़ी छोटी सोच लगती है तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे अगर हम जिन महापुरुषों का हम आदर्श मानते हैं जिन्हें उन्हें पढ़ के देखें आप राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ें मेरे एक आदर्श वो है तो उनका जीवन कैसा बीता कि लोगों ने उनका प्रतिकार किया कि यार ये तो आप भी मरेगा हमें भी मरवाएगा क्योंकि जब आप समाज में डर बैठा देते हैं ना तो उसका परिणाम ये होता है कि लोग सेल्फ प्रिजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय के हिम्मत से लड़ने के और हमारे देश में दुर्भाग्य से पता नहीं क्या कारण है ये हमेशा प्रिडामेंस में रहा कि अब बिस्मिल को जब मैं पढ़ता था तो उसमें बताते हैं कि यार अब आज हैरानी होती है कि उनको दो चार पिस्टल चाहिए होते थे रिवॉल्वर चाहिए होते थे तो उनको पैसे नहीं मिलते थे उनके पड़ोसी मुखबिर बन के अंग्रेजों को बता देते थे उन्हें भागना पड़ता था तो आज भी समाज लगभग वैसी वैसी स्थिति में ही है केवल उनकी माँ थी जो उनको सपोर्ट करती थी आजकल माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते वो एक बात अलग हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो सोशल सर्कल्स में जो ये नॉन ग्राटा वाला ऐसा हो जाता है हाँ, उसमें वो क्या करते हैं पहले तो हैरान हैं अच्छा ये ऐसी बात भी कर सकता है, ऐसा भी सोचता हाँ, है। लगता तो नहीं है, हाँ, है।, हाँ, है। तो साइकोलॉजी सी, में आती है उसका मतलब क्या होता है कि आपने अपना एक परिकल्पना कर रखी है संसार की फिर आपके सामने आता है जो आपकी उस परिकल्पना के विपरीत चलता है कि आपने सोचा था यार इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है आपको पता चलता है कि मोहम्मद तो इस तरह के काम करता था और ये इस्लाम करता है तो परसेप्शन और रियलिटी दोनों में अंतर है तो दोनों में अब विरोधाभास है तो आपके पास सोल्यूशन क्या है या तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस्लाम की सच्चाई ये है ये मोहम्मद की सच्चाई है और ये हमारे समाज पे खतरा है अब आप अगर इसे एक्सेप्ट करते हो तो उसका लॉजिकल अगला स्टेप होता है कि यार इसके लिए मैं क्या करूंगा अब जब मैं क्या करूँगा पे आते हैं तब आपको पता लगता है कि यार मैं जो रोज सुबह आठ से पांच ऑफिस जाता हूँ कमाके लाता हूँ फिर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रखे मैं काम कर रहा हूं तो मैं तो पैसे इकट्ठा कर रहा हूं मुझे तो एस लेनी है मुझे वो बड़ा बंगला लेना है मुझे यूरोप टूर पे जाना है अगर मैं इस लड़ाई में पड़ा तो मुझे अपना टाइम लगाना पड़ेगा अपना पैसा लगाना पड़ेगा तो ये करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तो आप उसको रिजॉल्व तो करेंगे या तो आप तथ्य को मानेंगे या आप उस झूठ पर विश्वास करेंगे आज तक आप करते आ रहे थे और जनरली लोग क्योंकि कमजोर होते हैं होते, तो वो दूसरा रास्ता आप ना लेते हैं बिलीविंग इन हमें हम कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले हमें काम ना करना पड़े बना रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हिपोक्रेसी दिखते हैं क्या है कि वही वो लोग है जो बोलते हैं कि उधम सिंह हमारे आइडियल है, <laughs> है, है जो शिवाजी महाराज की फोटो लगा के अपने घरों में बैठे हैं जो सावरकर को भी मानते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो ये करना नहीं चाहते ये समस्या है तो हमने भी लगा रखा है पर हम तो करना चाहते हैं जी जैसे सर आपको धमकियां भी आती होंगी जैसे मुझे भी आती हैं तो आपको इंटरनेशनल भी आती हैं या नेशनल ही आती हैं पहले पहले इसमें जो ट्रेंड है दोनों जगह से आती नहीं आई कतर से ओमान से हाँ। सीरिया से उधर से तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों आती थी धमकिया ले जो मर्जी कह ले तो अभी फिर जो नेशनल वाले थे उनका थोड़ा सा कान घुमाया तो नेशनल नहीं आते अब केवल ही आती है ठीक तो, तो कॉल और मैसेजेस ही आते होंगे हाँ वो वही है ना कि अब हमारी पुलिस तो वहाँ जाके उनको पकड़ेगी नहीं तो वो वहाँ बैठे तो कुछ भी करते रहे ये एग्जैक्टली वे जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी है वहाँ के सिटीजन है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता तो वो वहाँ से बैठे कुछ भी बकवास कर सकते हैं तो सेम इनके साथ भी यही है एक सर जैसे आ, सेल्फ डिफेंस का जो चलता है जैसे मेरी जानकारी में जो है गलत हो तो बताइएगा कि जो आर्म्स एक्ट है वो डिसार्म करने के लिए फिर अंग्रेज चले गए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइट टू लाइफ तो सबका बेसिक राइट है नेचुरल राइट है और उसके सामने बाकी सब खड़े भी नहीं होते अब इस राइट टू लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होना चाहिए अगर कहूं तो वी शुड हैव राइट टू टू आर्म्स तो डिफेंड आर सेल्फ क्योंकि 1860 से पहले तो रखते रखते ही थे 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 लोग जो जो भी भी उस जमाने के जो भी थे। तो आज हम आजाद हो गए तो क्या हमें इस चीज की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी जान की रक्षा करने के लिए तो कुछ करें या स्टेट पे ही हम आउटसोर्स कर दें देखिए अब ये जो संविधान बना तो इसका इसके अकॉर्डिंग क्लेम ये है कि हमने जो वायलेंस थी वो स्टेट को आउटसोर्स कर दी जो आपने बोला अगर तो ये सफलतापूर्वक चलता फिर तो ठीक था कोई बात नहीं हम अपना जीवन जी रहे हैं हमने पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको कहा है कि वो हमारा ध्यान रखेंगे तो ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि हम अपना काम कर रहे हैं हम समृद्धि में काम करेंगे आप हमें बचाएंगे लेकिन क्योंकि इसने एक डिज़ास्टर प्रूव किया एक फेलियर रहा अब इसका जो इम्प्लिसिट मैसेज है वो क्या है कि आप अगर कानून का पालन कर रहे हो तो कानून आपको सुरक्षा देगा लेकिन पिछले पचहत्तर साल में बिल्कुल रिवर्स हुआ कि जो गुंडागर्दी करके सड़क पे आए कानून ने उनके सामने घुटने टेके तो ये जो मॉडल है वो फेलियर रहा है अब उसके आप कारण कई का बोल सकता बोल सकते हो कि पॉलिटिकल विल नहीं थी या उन्होंने कुछ भी किया कारण जो मर्जी हो लेकिन जो मर गया उसके लिए उस कारण की कोई वैल्यू नहीं है तो ये फील्ड मॉडल है बजाय इसके जैसा बाकी के वेस्ट कंट्रीज यूएस में है राइट आर्म्स उनका फर्स्ट मेरे से आ, वो है I mean, तो you. वो यहां पर अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि अगर आप फेल हो चुके हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यार हम आपको डिफेंड करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा कि अगर हम बोलते हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे बहुत इंटेलिजेंट थे उन्होंने ऐसा सुंदर डॉक्यूमेंट हमें दिया अब उस डॉक्यूमेंट को जब आप एनालाइज करते हैं तो उन्होंने क्या किया इस्लाम को एक माइनॉरिटी का दर्जा दे के उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी माइनॉरिटीज के जो विशेषाधिकार दे दिया इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि एक अकेली कुरान पढ़ लेते वो पढ़ के समझ में आ जाता है कि जो इस्लाम है वो सारे हिंदुओं को मारने के लिए प्रतिबद्ध है और वो छिपाया भी नहीं है उसमें तो है कि हमने सबको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है कि जिहाद तब तक चलेगा जब तक के सारे के सारे अल्लाह को नहीं मारना शुरू कर देते तो इसमें इनहेरेंट है कि जो इस्लामिस्ट हैं वो हमारे साथ वायलेंस करेंगे ही करेंगे तो ये अपने आप में ही हमारे फंडामेंटल राइट टू तो लाइफ का वायलेशर था ये उसका वायलेशन है तो या तो आप इसको इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को जिनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स है उनको किसी तरह से रास्ते से हटाओ उनको डिफेंग करो उनको वापस मेन स्ट्रीम में मिलाओ ह्यूमन बीइंग्स बनाओ हां उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बनाओ और अगर नहीं कर सकते तो हमें फिर राइट टू डिफेंड होना आ, ही चाहिए जो ना। आ, चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए इसमें जैसे जैसे ही इसकी बात आती है तो बहुत सारे लोग जो कॉग्नेटिव डिसऑर्डर्स को नहीं झेल पाते जो आप बता रहे थे वो अपने झूठ में ही जीना चाहते हैं बिलीविंग इन लाइ वो ये कहते हैं कि अगर हम आर्म्स दे देंगे तो कितने मर्डर्स होने लगेंगे वायलेंस बढ़ जाएगा तो ऐसा है कि अगर स्टेट आपको आर्म्स दे दे तो आप सड़क चलते किसी को भी गोलती गोली मारते चलोगे तो इसमें क्या है कि वो अपनी नालायकी को छिपाने की कोशिश करते हैं अब इसका एक उन्होंने एक प्रोसीजर बना रखा है कि पुलिस रिपोर्ट लगेगी वो देखेंगे कि आदमी कैसे रहा है तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि व्यक्ति में सेल्फ रिस्ट्रेंट है या नहीं है आप कर क्या रहे हैं आप ओवरऑल देखना शुरू करिए मैं जानता हूँ कि जो बचपन से गुंडागर्दी करते आ रहे थे शराबों के जो बिजनेस करते हैं उनको तो लाइसेंस मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास वो राइट कनेक्शन होता है वो ले आते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं किया जो एकेडमिक काम करता है उसको आप लाइसेंस देने से डिनाई कर देते हैं कि भाई कोई उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ बना सकते हैं आप कि नहीं जी हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं आता तो हम इसको लाइसेंस नहीं देंगे तो ये फिर से एक तरह से आ, सच को डिनाई करने का ही एक और एक और तरीका है वो तो। क्योंकि 1860 से पहले जब हमारे पुरखे रखते थे आर्म्स तो ऐसा तो नहीं था वो किसी को भी रात चलते गोली मार रहे हैं। और जैसे अगर अगर ऐसा भी कहें कि सपोज मेरे पास एक बंदूक है अभी और आपके पास नहीं है तो उसमें वायलेंस के चांस ज्यादा होंगे या आपके पास भी है मेरे पास भी है उसमें ज्यादा होंगे आपके पास नहीं है तो मैं आपको डराऊंगा दोनों के पास है तो चुपचाप शांति से भी बैठे रहेंगे ठीक अक्सर जैसे एक तो ये चल रहा है जो वेरियंट जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं और हम जीतेंगे भी आपके साथ एक वेरियंट और आया है वो किजम इसको ऐसा कहा जा रहा है तो पहले तो ये बताओ आपका जेंडर क्या है मतलब वट इज योर क्या प्रीफर्ड प्रोनाउंस

तो ये एक थ्रेट कितना सीरियसली लिया जाने लायक है और जो ये जो जेंडर वाली हमने जो बात की जैसे अभी जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हो रहे हैं लड़के खुद को लड़की बता के लड़कियों के टॉयलेट में घुस जा रहे हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं अपने पास क्या बीमारियों की कमी थी जो एक और ये वेरियंट आ गया देखिए अपने पास कमी नहीं है बहुत सारी जिनसे हम जूझ सकते हैं लेकिन कुछ लोगों का काम है कि उन्होंने सोसाइटी को डिसरप्ट करना है इसे वो बोलते हैं ना देव असुर संग्राम तो सदा ही चलता रहता है जब राम थे तो रावण भी था जब कृष्ण थे तो कंस भी था तो वो हमेशा ही होते हैं और हमेशा ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा संख्या में होते हैं तो जो आप वोकिज्म की बात कर रहे हैं वो उसका लेटेस्ट एक वेरियंट आप देख सकते हैं इसमें पहली चीज तो हाँ आपने कहा कैंसल कल्चर की जो बात करते हैं अब इसमें जो आपको विरोधाभास दिखाई देगा कि पहली चीज इसके जो वोटरीज है उनका पहला क्लेम क्या होता है कि आपकी जो ग्रुप आइडेंटिटी है वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे भारी पड़ती है जो अपने आप में ही बहुत बुरी सोच है जो अपने आप में ही नॉन सोच है क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आपकी ग्रुप आइडेंटिटी से मैक्सिमम केसेस में सुपरसीड करती है वो लेकिन यह आपको एक झुंड बना के भेड़ बकरियां बना के आपको एक इंटेलेक्चुअल गेट, गेटो या मेंटल गेटो में डालने की कोशिश की जाती है यह पहला पॉइंट दूसरा कि इसमें वो जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो है कि आप किस तरह से माइंड को मैनिपुलेट करते हैं जनरली आप किसी से क्वेश्चन पूछिए कि आज धरती पे सबसे लॉजिकल स्पीशीज कौन सी है तो लोग बिना एक सेकंड रुके ह्यूमंस बोल देते हैं लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे मुझे जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें सोचता है वो है स्मोकिंग का हर किसी को पता है कि सिगरेट पीने से कई तरह के कैंसर होते हैं और इसका हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट नहीं फिर भी अपने बाप का पैसा या अपनी कमाई का पैसा आप देते हैं दुकान पे जाके और कैंसर अपने लिए खरीद के लाते हैं इसका कोई एक परसेंट भी यूटिलिटी नहीं है जो आपको बताता है कि ह्यूमन बींग्स लॉजिकल नहीं है इसी का सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि इसका अर्थ अब जो खरीद के ला रहा है वो किसी कारण से तो ला ही रहा है क्योंकि उसके माइंड में एक परसेप्शन बनाई गई है कि जब तू ये करेगा तो तू कूल लगने वाला है तो किसने किया उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सेम वही काम ये जो आजकल वोकिज्म है उसके साथ किया जा रहा है कि जो सबसे कम बुद्धि लगाने वाले लोग हैं उनको आप एक लेक्चर देके एक पैराग्राफ सुना के एक आर्टिकल दिखा के उल्लू बना सकते हैं इसके लिए मैं इसको बड़े सीरियसली स्टडी कर रहा था कि इसके पीछे वो लॉजिक क्या देते हैं तो एक लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो तो जानवरों में भी देखने को मिलती है तो बजाय आप ह्यूमन को इवॉल्व करने के उसको नीचे वाले रास्ते पे लेके जा रहे हो इस हिसाब से तो आप कल को ये बोल सकते हो कि एक लड़की है उसने अपना एक एक्ट किया और उसके बाद अपने जो पार्टनर है उसको मार दिया क्योंकि जो स्पाइडर विडो होती है विडो स्पाइडर होते हैं, वो भी यही करती है कि मारने के बाद वो जिसके साथ समागम करते हैं, उसको स्पाइडर इतना नॉन सेंसिकल है अब लेकिन इसके फायदे आप देखिए कितने हम ये क्लेम कर सकते कि हमारे जो कोई प्रधानमंत्री थे वो अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते थे तो हमने तो पिछले दस

मुझे भी इंतजार है तो दूसरी किताब कब आ रही है आपकी आप लिख रहे हैं कोई दूसरी किताब जी दूसरी लिख रहा हो और ये एंड तक इस वर्ष के अंत तक कुछ हिंट देंगे क्या लिख रहे हैं कुछ किस पे लिख रहे हैं या क्या है जैसे वो एन थी नहीं इस पे मैं अभी चाहता नहीं कोई नहीं हाँ अच्छा। जी क्योंकि वो पहले ही कुछ समस्या उसमें आ सकती अच्छा समस्या आ सकती है ठीक है कुछ लोगों ने सवाल आपसे पूछे थे हमने जब बताया था कि आप आ रहे हैं जैसे एक सवाल है सुरेंद्र द्विवेदी का कि मिडिवल हिस्टोरियंस में किस किस की किताब हमको एटलीस्ट पढ़नी चाहिए मिडिवल के लिए जो हिस्टोरियंस हैं तो जदुनाथ सरकार की पढ़ सकते हैं आप mm -hmm. उसमें जो सबसे अच्छा है जदुनाथ सरकार ने ही लिखा उस पर जदुनाथ सरकार ने लिखा है <laughs> किसी ने आपको कहा है कि सर यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी बस जो काम कर रहे हो कभी पीछे मत हटना जय श्री राम आया है आपके लिए जी बहुत धन्यवाद जी नहीं हटेंगे एक किसी ने पूछा है मृणाल अभी भारती हैं कि नमस्ते सर व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव फिजेबल सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीसफुल कम्युनिटी पॉपुलेशन अदर देन द डिवीजन पार्टीशन ये शायद कहना चाहते हो और वी हैव टू लिव विद देम टिल देयर डेट ऑफ कयामत नहीं ये सेकेंड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस्लाम को एग्जिस्टेंस को मना करता है तो कोई नहीं हो सकती जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था शुद्धिकरण घर वापसी यही किया जा सकता है और वो करना भी पड़ेगा और कोई उपाय है ही नहीं इसका ठीक है एक प्रभाव अग्रहरी हैं इन्होंने पूछा है कि अपने उन मित्रों को कैसे सही इतिहास के बारे में बताएं जो इस विषय के प्रति उत्सुकता नहीं रखते उनकी उत्सुकता मात्र गलत वस्तुओं के प्रति रहती है ये सिचुएशन स्पेसिफिक होगा कि आपका वो मित्र है जो वो क्या चीज पसंद करता है यदि पढ़ना पसंद करता तो वॉइस ऑफ इंडिया का लिटरेचर है पतली पतली किताबें वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं थोड़ी मोटी पढ़ना चाहता है तो ब्रेन वॉश रिपब्लिक दे सकते हैं और अगर पढ़ने की रुचि नहीं है तो फिर जो आजकल एक्स मुस्लिम के चैनल्स हैं वो उनके साथ शेयर कीजिए मेरा चैनल शेयर करें स्पेसिफिकली जो इस्लाम एंड मोहम्मद और डमीज वाली सीरीज है वो उनके साथ शेयर करें ये कोई भी कर सकता है तो वो आसान तरीका है एक श्वेता शर्मा जी ने पूछा है ये मेरा भी सवाल है आपसे की प्रणाम मेरा प्रश्न है कि देश में मानव समाज में इतनी उथल पुथल और उद्वेलन जैसे मार्मिक और उत्तेजक विषयों पर बात करते हुए भी नीरज अत्री जी इतने शांत और धैर्यवान कैसे रह पाते थे? <laughs> आ... मतलब दुनिया मरी जा रही है कि कूल दिखू काल पीस दिखू तो आपका क्या है ये कैसे रहते हैं आप इतने इसके एक तो मैं क्योंकि योग और ध्यान करता हूँ उसका परिणाम है भगवद गीता पढ़ के उस पे चलने का प्रयास करता हूँ तो ये दो दो कारण मुझे दिखाई देते हैं ठीक बहुत सारे सवाल हैं जितने अभी हम ले सकते थे टाइम का भी इशू हो जाएगा सर को निकलना भी है एक सर बस ये था कि वीडियो आपकी देखते हैं और जवान ज्यादा देखते हैं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मुझे मिलते हैं तो सब नीरजी को जान रहे हैं बहुतों ने किताब पढ़ी भी है मैंने भी पढ़वाई है दी है एक सलाह जो भाई हम आपके छोटे भाई या बच्चे की एज के ही हैं और कहीं ना कहीं एक वो ब्रदर इन आर्म्स होता है जो हैं फेलो ब्रदर इन आर्म्स उनको एक एडवाइस आप कुछ अगर देना चाहे कि अगर ये लोग करना एटलीस्ट शुरू कर दें तो ये फाइट थोड़ी इजी हो जाए या उन लोगों के लिए क्या एक एडवाइस आप देना चाहेंगे जो सोलह साल से पच्चीस साल वालों के लिए है ये उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो अपने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए क्योंकि अर्थ होगा तो आप धर्म की रक्षा करेंगे तो इसको छोड़े नहीं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें संपन्न संपन्न बने और दूसरी जो संपन्नता है वो आपकी मानसिक संपन्नता है ये दोनों संपन्नता आपके पास होंगी तो आप जिस रास्ते पर चलेंगे उसमें सफल होंगे और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भगवत गीता को पढ़े उसको अपने जीवन में धारणे का प्रयास करें तो आपको ना तो कभी कोई आ, किसी चीज़ का विषाद होगा ना ही शोक रहेगा तो और सफल आप हो ही जाएंगे उससे ठीक है सर आपने हमें टाइम दिया अपना और फिर फॉर्मेलिटी सी लगती है कि थैंक यू बोला जाए वो अपनों को तो बोलने में भी और लगता है बोलना चाहिए भी <laughs> तो सर मिलते रहेंगे हम क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारी बातें आपसे करनी है आप कैसे टाइम हमें मिलता रहे गाइडेंस मिलती रहे थैंक यू फॉर टुडे जी सर धन्यवाद